मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जो चीज हासिल करना चाहता हूँ मैं हासिल कर लेता हूँ। आज तो मेरी हो गई। देखो दुनिया वालों, पारा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सब लोग हार गए और मैं जीत गया। आप दुनिया की हार का जश्न मना रहे हो या अपने प्यार की जीत का? अपने प्यार की जीत का यकीन तो मुझे तब भी था जब तुम्हारे घर वालों ने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, और अपने प्यार की जीत का यकीन तो मुझे तब भी था जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जॉब को छुड़ाकर हमारे मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी थी। और हमारे प्यार का यकीन तो बस 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 मुझे यकीन आ गया है कि आपके प्यार का जुनून जीत गया। अच्छा सच बताओ। ऑफिस से आने के बाद बिना बिता कहाँ चले गए थे? यार वो तुम्हें पता है ना, वो मंजूर ने एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताया था, वहीं गया था। फिर क्या? काम तो अकाउंट्स का ही है, पैकेज अगर अच्छा देंगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। कैंची कहाँ है? वहाँ ड्रॉअर में होगी। इस वाली में? बताओ तुम आ गई थी जहाँ तुम इंटरव्यू के लिए जाना था, क्या रहा वहाँ पर? पता नहीं हमारी सोसाइटी को क्या हो गया है, एक जैसी नजरें, एक जैसा सवाल। अरे यार ये बैंक से फिर फोन आ रहा है। ये हमारा सारा स्टेटस बैंक की मेहरबानी ही तो है। सांस लो या ना लो, लोन की किस्त तो जरूर पे करनी होती है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खुशी के लिए दुख किया। शासीब तुम भूल गए, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे दुनिया की हर खुशी हर सुख दोगे। मेरी जान, अभी हमारी शादी को सिर्फ दो ही दो साल हुए और इन दो सालों में मैंने तुम्हें जिंदगी की हर लग्जरी देने की कोशिश की। उधार की लग्जरीज जी। हाँ ठीक है, आप लोग मीटिंग फिक्स कर लीजिए, मैं साइट विजिट कर लूंगा, अगर चीज पसंद आई तो मैं सौदा करूँ। शाज़िब सब खैरियत तो है? यार ये जो बंदा है ना, नहीं नहीं बगैर विजिट किए ये मेरा कॉलेज फेलो है शर्जील। ये तो यहाँ के ऑनर लग रहे हैं। जी हाँ ये यहाँ के ऑनर है। अरे छोड़ना यार, क्यों इंसल्ट करवाएगा, बचपन का दोस्त है, अब थोड़ी पहचानेगा। हाँ यार बोल तो तुम ठीक रहे हो। सही है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। एक्सक्यूज मी, तुम शाज़िब हो ना? शाजी। और तुम? जी मैं शर्जील सिद्दीकी। याद है आपको या भूल गए? शर्जील कैसे हो? बस यार सब ठीक ठाक। सॉरी गाइस, शाजी हमारी कॉलेज की क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे, आप लोग भी? अरे नहीं नहीं, ये लोग हमारे कॉलेज से नहीं है। मीट माय वाइफ पारस, माय फ्रेंड मंजूर एंड हिज वाइफ किरण, एंड माय सेल्फ शर्जील सिद्दीकी। इनकी क्रिकेट टीम का सबसे लकी क्रिकेटर। क्यों? कम ऑन शर्जील, इट्स ट्रू गाइस। और सुनाओ होटल वगैरह खोल लिया? यार मेरी तो चेन है होटल्स की अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे दो सेटअप और बनाया है। सो गुड, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे दोस्त शर्जील से मिलकर। यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा आदमी होकर भी इतना डाउन टू अर्थ था, कमाल की बात है। वाकई में मुझे भी ये गुमान नहीं था कि इंसान इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी अपने बचपन के पुराने दोस्तों से ऐसे मिल सकता है। घर के माहौल का असर है। हाँ
तकरीबन 15 साल वो अमेरिका में ही रहा है। लेकिन एक बात है, उसके साथ गुजारा हुआ सारा वक्त बड़ा शानदार था। वैसे तुमने नोट किया था शाजी, तुम्हारे लिए कितनी अपनायत थी उसके लहजे में। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कि उसे संडे को खाने पे बुला लिया। और उसने आने की हामी भी भर ली, बैंक से लेटर भी आया हुआ है, और तुम जानती हो कि महीने की आखिरी तारीखें भी चल रही हैं। कम ऑन शाजी, अब हम इतने भी हैंड टू माउथ नहीं हैं कि तुम्हारे दोस्त को अच्छा खाना ना खिला सके। तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ हो जाएगा। Amazing. I must say, Paras, that you're a very good cook. कहाँ शर्जी, आपने तो ठीक से खाया भी नहीं है। इसके सर पर बेगम की टेंशन जो है। अरे कम ऑन यार शाजी, ये बात नहीं है। एक्चुअली मेरी वाइफ अपनी बहन के साथ ऑलरेडी कमिटेड थी, नहीं तो मैं उसको साथ जरूर लेकर आता। माशाल्लाह से आपकी और आपकी मिसेस की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लगती है। या शी इज क्वाइट अ फाइन लेडी, काफी ख्याल रखती है। आप क्या ख्याल है, कॉफी हो जाए? नॉट अ बैड आइडिया। मैं बना के लेकर आती हूं। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। ये क्या हरकत है भाई? हमारी शादी को 2 साल का अरसा हो चुका है। शुरू के 6 माह तो मैंने आपको गुनगुनाते हुए सुना था, लेकिन आज काफी अरसे के बाद आपकी आवाज सुनी इस तरह से मैंने। खैरियत तो है? तुम्हें पता है शाजी, इंसान कब गुनगुनाता है? बिल्कुल, जब इंसान अंदर से खुश होता है तो वो गुनगुनाता है, और आप मेरे दोस्त शर्जील से मिलकर काफी खुश हैं। हाँ क्यों, तुम खुश नहीं हो? मैं तो खुश हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हैं। डोंट बी सिली, आपका दोस्त अंदर ड्राइंग रूम में अकेला बैठा है, उसके पास जाइए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। सॉरी यार शर्जी, एक्चुअली हमारी बेगम तुम्हारे लिए बड़े प्यार से कॉफी बना रही है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा यार शाजिब, तुमने बताया था कि तुम तरमीजी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो। अब यार अगर एक पर्सनल बात पूछूं तो माइंड नहीं करोगे? हाँ हाँ पूछो। यार ये मंथली पैकेज क्या दे रहे हैं तुमको? पैकेज? पैकेज बहुत अच्छा है यार, जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही है। गुड, वेरी गुड। अच्छा पारस क्या करती? मैं घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ, कॉफी। तो आप कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? अच्छी जॉब मिलेगी तो वो भी कर लूंगी। तो समझेंगे आपका काम हो गया, आपको अच्छी जॉब मिल गई। अरे वाह, वो कैसे? भाई देखिए ना, मेरी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, तो आप चाहें तो नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकती हैं। नहीं नहीं शर्जील, पारस को जॉब की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई जरूरत की बात नहीं है, अब देखो ना, पारस अगर मुझे ज्वाइन करेगी तो मुझे काम की भी कम फिक्र होगी। अच्छा वो क्यों? भाई हमने तो ये सुन रखा है कि अपना मारता भी है तो छांव में ही डालता है। ठीक है, तो फिर यूं समझेंगे मंडे से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ओके डन। अरे भाई शाजिब, तुम किन ख्यालों में घूमोगे? फिकर मत करो, तुम्हारी बेगम को अच्छी सैलरी दूंगा। नहीं नहीं, मैं किसी सोच में नहीं हूँ। मुबारक हो तुम्हें पारस। थैंक यू, थैंक्स टू यू सर जी। भाई देखें, मैं अपने बचपन के दोस्त के घर में मौजूद हूँ, तो नो सर नो बॉस। सर आपने मुझे बुलाया? अनबिलीवेबल,
पारस, मुझे पाकिस्तान में काम करते हुए 5 साल हो गए, लेकिन जो रिजल्ट्स आपने मुझे दिए हैं, दे आर सिंपली ऑसम। आपने मुझे अपना कहा है, मैं तो बस अपनापन दिखा रही हूँ। ये बात नहीं है पारस, आपके काम से ना सिर्फ मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है बल्कि मेंटल रिलैक्सेशन भी बहुत मिली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड जॉब, यू मे गो नाउ। ओके सर। आजारा, देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। या तुम्हें पता है वो सीवी वाला जो टेंडर था वो हमारी कंपनी के नाम खुल गया। कंग्रेचुलेशन। एक डिनर तो बनता है। ओके, मैं आ रहा हूँ। लव यू। अरे भी शाजिद, किसी बात पे उलझे हुए हो क्या? तुमने खाना भी सही तरह नहीं खाया और तुम्हारी आइसक्रीम भी मेल्ट हो रही। नहीं यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। मैंने खाना ठीक से खाया और देखो मैं खा रहा हूँ। वैसे शाजिद, ये तो तुम्हारी बेगम की दीवानी है। हाँ भाई, ये बात तो मानने वाली। पारस जो काम भी करती है पूरी दिल जमाई से। थैंक यू सो मच सर। आप बेगम की प्रमोशन के हवाले से ये तो पूरा स्टाफ को ट्रीट देना चाहते थे, आपके कहने से यहाँ आए हैं। जी हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि पारस ऑफिस में बहुत दिल लगा कर काम करती है। शाजिद, आप बहुत खुशकिस्मत। खुशकिस्मत तो आप ही हैं जो आपकी ज़िंदगी में इतना खुश अखलाक इंसान है। गॉड ब्लेस योर कपल। थैंक यू सो मच। सुन लिया आपने, आपके हस्बैंड की कितनी तारीफें होती हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, शाहजेब के हवाले से सोच रहा हूँ। मुझे आपका दोस्त कुछ मगरूर लगा। नहीं शाहजेब ऐसे नहीं है, मुझे तो वो बेचारा थोड़ा सा परेशान लगा। मेरे लिए तो उसका एटीट्यूड बहुत ही हैरान कन था। नए घर में शिफ्ट होने के हवाले से वो इतना इमोशनल क्यों हो गया था? दरअसल ज़ारा, कुछ अर्सा पहले मैं शाहजेब के घर गया था, तो मैं ये बात जान के अच्छा खासा दुख होगा कि उसका सारा स्टेटस बैंक लोन का मोहताज है। और जब मुझे पता चला कि बैंक की तरफ से उसको नोटिस मिल चुका है, तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने खुददार दोस्त की मदद करूँगा, उसे एक हैंडसम पैकेज के साथ अपने पास रख लूँगा। लेकिन उसकी खुददारी देखने के बाद मैंने जॉब पारस को ऑफर कर दिया ताकि मेरे दोस्त के माली मसाइल किसी भी तरीके से हल हो जाए। अच्छी बात है ज़ारा, मैं पारस की बेहतर सैलरी के जरिए अपने खुददार दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। और वैसे भी पारस ने मेरी तवक्कात से बढ़ के काम को समझा है, बहुत मेहनत की है उसने। उसकी इस ईमानदारी और मेहनत की वजह से हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। मैं समझता हूँ कि पारस डिजर्व करती है कि उसे भी बेनिफिट मिले। जब ही कंपनी की प्रमोशन आई तो सबसे पहले गाड़ी पारस को मिली। यही तो मैं कह रही हूँ, अपनी बेगम की जहानत और काबिलियत पर मिलने वाले बेनिफिट्स पर उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ बुझा बुझा सा दिखाई दिया। ऐसी बात नहीं है, यू नो देयर इज अ थिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्शन, एहसास-ए-कमतरी। मुझे लगता है शाहजेब को एहसास-ए-कमतरी हो गई है। आई थिंक यू आर राइट, लेकिन आपको थोड़ा मोहतात होना चाहिए। पारस से आपकी हमदर्दी को कहीं वो नेगेटिव ना ले ले। ऐसी कोई बात नहीं, देखो मैं तो सिर्फ अपने दोस्त शाहजेब की मदद कर रहा हूँ। पारस और शाहजेब को एम्बैरेस करना मेरा मकसद नहीं है। पारस, जिन दो लोगों का कल इंटरव्यू किया था उन्हें अपॉइंट कर लिया आपने? यस सर, उनका डेटा इस फाइल में मौजूद है। मंजूर अहमद और किरण मंजूर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आपके दोस्त भी, एम आई राइट? यस सर, they both are so much faithful and hard workers. ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, वो कल घर जाके शाहजेब साहब का मूड ठीक हो गया था? जी सर, एक्चुअली घर जाने के बाद मुझे ही रियलाइज हुआ कि शाहजेब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी हमें नए घर की जरूरत नहीं है। देखिए, आप लोगों का निजी मामला, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच सर। आप पारस, ये निशान कैसे? निशान
कैसा निशान? अरे ये आपके चेहरे पे, ये साइड पे। ओ सर, वो जरा सी चोट लग गई थी। मुझे सच सच बताएं पारस, कहीं शाहजेब ने तो? अरे नहीं सर, शाहजेब तो मुझसे बहुत प्यार करता है। देखिए पारस, मैं सिर्फ आपका बॉस नहीं बल्कि आपका दोस्त भी। अगर आप चाहें तो मुझसे अपनी दिल की बात शेयर कर सकती हैं। हो सकता है मैं कोई हल निकाल। नहीं सर, अब कोई फायदा नहीं। शाहजेब अब बिल्कुल बदल गया है। शाहजेब अब मेरा शाहजेब नहीं रहा। वो शाहजेब जिसने पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद मुझसे शादी की थी, जुनून की हद तक वो मुझे चाहता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शाहजेब का मुझ पर हाथ भी उठाएगा। What? वो मरता है आपको? जहनी मरीज हो चुका है। मैं उसके साथ एक अजियतनाक जिंदगी गुजार रही हूँ। बात बात पे शक करता है। कल हम जब आपके यहाँ से डिनर से लौटे तो उसने मुझे बहुत मारा। वो मेरे और आपके रिश्ते पर शक कर रहा है। Oh my God! मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शाहजेब ऐसा करेगा। मैं उससे बात करूँगा। नहीं सर प्लीज, ऐसा अगर आपने कर दिया तो शायद मेरी अजियत और बढ़ जाएगी। पारस, पारस। आ रही हूँ, एक मिनट सर, की कॉल आ रही है। हेलो, जी सर। I'm sorry, छुट्टी वाले दिन तो मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। It's okay सर, जी बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो जो आजाद ग्रुप वालों की प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी आज, उसे प्लीज फाइनल कर लो ताकि कल सुबह हम मीटिंग से पहले उस पर डिस्कशन कर सकें। Don't you worry सर, मैं इत्तेफाक से उसी पे ही काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आज प्रेजेंटेशन मुकम्मल कर लूंगी। That's very good. मैं कब से खड़खड़ चिल्ला रहा हूँ और तुम हो गए अपने आशिक के साथ बातें कर रही हो। शाज़िब, just mind your language. बीवी हो तुम मेरी, बीवी बनकर रहो। आज संडे के दिन भी तुम्हें और तुम्हारे आशिक को चैन नहीं है? साफिन के सांप को तो मैं देख लूंगा। मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर रही हूँ और उसी हवाले से सर का फोन आया था। ये अपना ऑफिस का काम ना, संडे को खबर मत लेकर आया करो। तुम दोनों मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम मुझ पर बिला वजह शक कर रहे हो। बकवास करती है। ज़रा बिहेव सर। ज़रा ज़रा प्लीज, आई एम सॉरी ज़रा, आई एम सॉरी यार। कॉन्ग्रेचुलेशन सर इन एडवांस। हाँ, मुझे भी लगता है पारस की पार्टी को तुम्हारी प्रेजेंटेशन काफी पसंद आई। और हमारी मेहमान नवाजी भी। अच्छा पारस, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी ऑफिस में खड़ी है तो तुम्हें वहीं ड्रॉप कर दूँ? जैसा आपको बेहतर लगे सर। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही? सर, इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद जगी है, मैं शाहजेब की कॉल अटेंड करके आपके चेहरे की मुस्कान नहीं छीनना चाहती। यू नो पारस, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये शाहजेब कितना बदनसीब है। इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी के प्यार को नहीं समझ पा रहा। आज मैं उससे बात करूँगा। जी सर। हाँ, उसकी गलतफहमी दूर कर देंगे। मगर सर, वो कोई रिएक्ट कर सकता है। या आई नो दिस कुड हैपन, बट आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। यू नो आई एम वेरी कूल, वेरी चिल। मैं उसे प्यार से समझाऊंगा कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है कि शाहजेब को अब समझाना नामुमकिन है। चलो आज ये भी करके देखिए। शाहजेब, शाहजेब। लगता है कि शाहजेब घर में नहीं है। अच्छा, इन दैट केस आई थिंक आई शुड लीव। अरे देखा नहीं आपने मेन रोड्स पे कितने हालात खराब हैं? जगह जगह आग लगाई हुई है। अरे वो तो बिजली से सताई हुई आवाम अपना गुस्सा निकाल रही है।
जी नहीं, शहर के हालात खराब हैं। आप रुक जाओ, शाजीब आते ही होंगे। देखो पारस, मेरा यहाँ रुकना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा। वैसे भी शाजीब मेरी वजह से तुमसे लड़ता रहता है। शर्जील प्लीज, खुद को कसूरवार मत समझें। शाजीब तो है ही ऐसा, उसने आज तक मुझे ऐसा कोई सुख नहीं दिया जिसकी वजह से वो मेरे सर का ताज बन सके। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। तब तक शाजीब भी आ जाएगा, आज आप उससे बात करके ही जाइएगा। अच्छा ठीक है, तुम कॉफ़ी बना लो, जब तक मैं शाजीब को कॉल करके बुला लेता। आप अच्छा रहने दें, आप कॉल मत मिलाएं अभी, मैं कॉल कर लेती हूँ शाजीब को। ठीक है, तुम उसे कॉल कर लो। हेलो। हेलो शाजीब, कहाँ हो तुम? शहर के हालात कितने खराब हैं। हाँ, मैं काम से हैदराबाद आया हुआ था। मुझे पता चला है कि कराची के हालात खराब हैं। यहाँ से कोई भी गाड़ी कराची के लिए नहीं निकल रही है। तो हो सकता है मुझे रुकना पड़े। मैं कल दोपहर तक पहुँच जाऊँगा कराची। नहीं नहीं, तुम्हें जैसा बेहतर लगे तुम वैसा करो, और प्लीज़ कोई रेस्ट मत लेना। और हाँ, यहाँ पर पता है बहुत ज़्यादा जलाव घिरा हुआ है, तो अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं ख्याल से रहूँगा, तुम भी अपना ख्याल रखना। शाहजीब तो हैदराबाद में, उसकी खाला वहाँ रहती है, कभी कभी उनसे मिलने चला जाता है। फिर तो मुझे फौरन चले जाना चाहिए। अरे कॉफी पी के जाइएगा, तब तक हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड पारस, मैं तुम्हारे साथ यहाँ अकेले नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही होगा। मैं तुम्हारे लिए मजीद परेशानियां नहीं खड़ी कर सकता। शर्जील प्लीज। अच्छा आप इतनी देर भी नहीं रुक सकते कि कप कॉफी मेरे साथ पी लें? अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज बी क्विक, जब तक मैं अपनी होम मिनिस्टर को कॉल कर लूं। ओके सर। पारस आप परेशान मत हो, मैं शाहजीब से बात करूंगा, समझाऊंगा उसे, मान जाएगा वो। अब कोई फायदा नहीं है सर, शाजीब अपनी तमाम तरह एहसास कमतरियों के बाद अब जहनी मरीज हो गया। उसने मुझे जिस्मानी से ज़्यादा रूहानी चोट पहुंचाई, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पारस आप प्लीज़ इस तरह रोएं मत, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। शाजीब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। आपने मेरा साथ दिया है, आपसे मिलकर मुझे यह एहसास हो कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह अच्छे हैं। अच्छा पारस, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त मेरी पीठ में खंजर घोंपेगा। शाजीब तुम गलत समझ रहे हो। बकवास बंद करो। शक तो मुझे पहले दिन से ही था, आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया पारस, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शाजीब तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शाजीब खामोश। तेरी वजह से मेरा घर खराब हुआ है ना, अब तेरा घर भी नहीं बचेगा। शाजीब कैसी बातें कर रहे हो? तेरा घर भी नहीं बचेगा। शाजीब मेरी बात सुनो। जारा मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो जारा, क्या हुआ? साहब जी, वो शाजीब साहब आए थे, बेगम साहब से मिलकर गए। जारा मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। जारा मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। जारा मेरी बात सुनो, जस्ट लिसन टू मी। जारा मेरी बात तो सुन लो। तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर सामान गाड़ी में रखो। देखो जारा मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, शाजीब ने झूठ बोला है, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? हाथ मत लगाओ मुझे शर्जी, I hate you। अरे मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, शाजीब ने मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काया है, झूठ बोला है उसने। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरा नहीं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी खलासत,
सब कुछ उस हिडन वीडियो फुटेज में मौजूद है। ज़ारा, ज़ारा लिसन टू मी यार, मेरी बात तो सुन लो। गुड मॉर्निंग सर। तुम ऑफिस में बैठो। सर मैंने ये इद्दत के दिन बहुत अजाब में गुजारे हैं। अजाब से तो इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। वो ज़ारा मुझसे खुला लेके अमेरिका चली गई। हम दोनों का गम एक ही जैसा है। हमें हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। गुजरे कल की तारीख रात में ताहयात हम जिंदा नहीं रह सकते। कल मुझे आपके सहारे की ज़रूरत थी और आप मेरे साथ थे। आज मैं आपकी हूँ। आपके इस मुश्किल वक्त में मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ सकती। तुम बात को समझ नहीं रही हो पारस। मेरी ज़िंदगी के साथ साथ मेरा बिजनेस भी तबाह हो चुका है। शर्जील प्लीज हौसला करो, मैं तुम्हें भी संभाल लूंगी और कारोबार को भी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जो हालात गुजरे हैं उससे कारोबार को काफ़ी लॉस हुआ और बहरहाल हमें इस लॉस का अजाला तो करना ही है। सर आपकी हिदायत पर मैडम पारस दिन रात मेहनत कर रही हैं, यहाँ तक कि वो साइट पर भी खुद ही विजिट करती हैं। यस आई नो, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग वुमन। इनफैक्ट ये जो रिसेंट प्रोजेक्ट शुरू हैं ये उसी की मेहनत का नतीजा है। सर मैं एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। अरे भैया आप पारस की दोस्त हैं, आपका तो हक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं। सर पारस से आपकी शादी को 6 माह होने का है और आप दोनों दिन रात प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे हैं। आगे एक साथ 4 छुट्टियां आ रही हैं। अगर आप दोनों कहीं बाहर हो आए तो दोनों फ्रेश हो जाएंगे। गुड आइडिया। थैंक यू सर। अरे कम ऑन, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपको। आप वैसे उस पार्टी से आपकी बात। सर पानी लेके आए। जी सर इस वक्त तमाम मामलात मैडम पारस ही डील कर रही है। जी सर शर्जील साहब ने तबीयत की नासाजी की वजह से पावर फैटोर्नी मैडम पारस के नाम कर दी है। सर शर्जील साहब इसी हफ्ते बैरून मुल्क जा रहे हैं इलाज के लिए। बीमारी बीमारी नहीं है यार, बस गम लग गया है। दिन ब दिन नकाहत बढ़ती जा रही है। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सर अमेरिका में इलाज की बहुत अच्छी सहूलत है, आप 1 माह में तंदुरुस्त होकर वापस आ जाएंगे। अरे यार तुम मेरी बीमारी को छोड़ो, मुझे काम का बताओ, काम कैसा चल रहा है। सर आप काम की बिल्कुल फिक्र मत करें, मैडम ने कारोबार बिल्कुल आपकी तवक्को के मुताबिक संभाला हुआ। इस बार भी हम कब्जा वक्त पर ही देंगे, हमारी साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह। यार मंजूर, ये साख बनाने के लिए मैंने बहुत अंथक मेहनत की है। शर्जील उठिए, थोड़ा सा सूप पी लें। मेरा मूड नहीं है। उठें थोड़ा सा पी। मैं खुद उठने की कोशिश करता हूँ। Oh!
डॉक्टर को बुलाएं, शर्जी, शर्जी, उठो, प्लीज, आंखें खोलो, शर्जी, क्या, 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 क्या हो रहा है, जी, शर्जी, शर्जी, शर्जी पहली और आखिरी बार आज तुम्हारी कब्र पे आई। तुमने मुझे सब कुछ दिया, मगर मैं तुम्हें कुछ भी ना दे सकी, जिसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। और मेरी यही शर्मिंदगी मुझे यहाँ दोबारा आने नहीं देगी। और वैसे भी तुम्हें शहर से दूर इसीलिए ही तो दफनाया गया है कि यहाँ आने का किसी का दोबारा दिल भी ना। तुम्हें पता है ना कितना कंपनी का प्रेशर है मुझ पर, कितना काम करना पड़ता है। और वैसे भी मैं कल शादी कर रही हूँ, और हाँ, मेरा होने वाला शहर तुमसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, किस कदर भोले और मासूम थे तुम शर्जील, या शायद गाफिल थे। इंसान को इतना भी गाफिल नहीं रहना चाहिए कि वो अपने गिर्द तंग होता हुआ साजिश का जाल भी ना देख सके। मैंने और पारस ने मिलकर तुम्हारी सारी दौलत हथियाने का कितना शफाफ प्लान बनाया। उस रात जब तुम पहली बार हमारे घर पर आए थे ना, तो बैंक का लेटर हमने जानबूझकर तुम्हारे सामने रखा था, क्योंकि हम जानते थे कि तुम इंसान दोस्त हो, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे। और प्लान के मुताबिक तुमने पारस को जॉब ऑफर कर दी। जॉब क्यों नहीं करती? अच्छी जॉब मिलेगी तो वो भी कर लूंगी। तो समझेंगे आपका काम हो गया, आपको अच्छी जॉब मिली, आप चाहें तो नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकते। फिर क्या था? फिर हम अपना खेल खेलते ही चले गए। बीवी हो तो मेरी, मैं शौहर हूं तुम्हारा, और संडे के दिन तुम्हें तुम्हारी राशि को चैन नहीं है? शाज़िब, जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। उस आसिन के सांप को तो मैं देख लूंगा। तुम मुझ पे शक कर रहे हो शाज़िब। और हाँ, वो रात जो तुमने पारस के साथ गुजारी, उस रात में हैदराबाद नहीं गया था। कमरे में मैंने कैमरा पहले से छुपा दिया था, जिसकी फुटेज मैंने तुम्हारी बीवी जारा को दिखा दी। तवक्को के ऐन मुताबिक जारा ने तुमसे फुला ले ली, और शादी के बाद मेरे दिए हुए स्लो पॉइजन को धीरे धीरे तुम पर पारस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके असर से तुमको जानलेवा हार्ट अटैक हो गया। पावर ऑफ अटॉर्नी तो तुम मेरी जान के हवाले पहले ही कर चुके थे, फिर क्या था? तुम्हारी जान हमारे लिए वबाले जान बन गई थी, तो इसलिए हमने तुमको रास्ते से साफ कर दिया। अब हम तुम्हारी बेतहाशा दौलत पर बेतहाशा ऐश करेंगे। क्यों जाने मन? बिल्कुल ठीक। और हाँ, हम एक वादा तुमसे भी कर रहे हैं शर्जी, हम तुम्हारे नाम की साख को बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे। इसीलिए हम आज तुम्हारा नाम तुम्हारी कंपनी से निकाल रहे हैं। आज से उस कंपनी का नाम होगा पारस एंड शाह कंपनी। चल, लेट्स गो। कभी सोचा नहीं था कि दोस्त ऐसे भी होते हैं। शर्जील ने कितना अंधा एतमाद किया था पारस पर, और पारस ने शर्जील की हमदर्दी और एतमाद का ये सिला दिया। इस बार तो हमने भी किया था। कैसे बहरूपी होते हैं लोग। पारस का रवैया कितना अच्छा था, ऑफिस में कितना अच्छा काम कर रही थी वो। हम दोनों समझ ही नहीं सके कि अंदर ही अंदर वो दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत चालाकी से इन दोनों ने शर्जील सर को रास्ते से हटाकर सारी जायदाद अपने नाम कर ली। मगर
दोनों को उसकी सजा भी तो कैसी इबरतनाक मिली। दोनों के साथ ऐसा हादसा हुआ कि शाजीब और पारस की शक्ल तक पहचानने में नहीं आ रही। क्या दोस्त इसी तरह धोखेबाज होते हैं? जो धोखेबाज होते हैं वो कभी दोस्त नहीं होते। शर्जील साहब को दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हुई। आजकल की इस दुनिया में दोस्त और दुश्मन को पहचानना बहुत मुश्किल है। लोग मुंह पे तो अच्छे बने रहते हैं मगर अंदर कितना कीना और बोझ है कोई नहीं जानता। बस अल्लाह ताला सबको ऐसे फितनों से बचाए। आमीन।